हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज एडू सेंटर। दिस इज सिमी हेयर। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज। पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कितना होता है? तो जब हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को जब डिटेल से पढ़ा था, तब हमने देखा था कि 3 तरह के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता था? इससे हम करंट का डायरेक्शन निकालते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे कि द राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट हैंड रूल भी है कि हम राइट हैंड में किसी भी कंडक्टर को पकड़ते थे तो हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करता था और बाकी जो कर्ल फिंगर है हमारा वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को दिखाता था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस डायरेक्शन डायरेक्शन पीरियोडिकली। ये भी सही है कि डायरेक्ट करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट ही गलत होगा। और ये कैसे होगा देखते हैं। इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर 1/15 सेकेंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये डी डी स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? हम जानते हैं कि इंडिया में हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 50 हर्ज होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 1/50 सेकेंड। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि एसी जो होता है वो हर हाफ पीरियड में अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1/2 × 50 सेकेंड करना होगा। तो 1/100 सेकेंड में एसी जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम में क्या होता है? वेरी कंटिन्यूअसली करंट कंटिन्यूअसली वेरी करता है, रिड्यूस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डज नॉट चेंज। क्या होता है करंट के साथ? तो करंट जो होता है शॉर्ट सर्किट में बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है। जो भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर डू नॉट यूज। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर क्या यूज नहीं करते हैं? ठीक है, फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं आर्मेचर को रोटेट करने के लिए, तो ये सही है। इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। हमने ये इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा था, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये डिटेल में पढ़ा है कि जैसे हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट कॉइल में इंक्रीज होता है। तो कमर्शियल यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। और लास्ट है अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ताकि हमारा करंट ज्यादा डेवलप हो। ठीक है, अगर हम परमानेंट मैग्नेट करेंगे तो हमारा जो करंट है वो कम डेवलप होगा, तो इसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए हम करंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट को रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ठीक है, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following properties of a proton can change when it moves freely in a magnetic field?
प्रोटॉन का क्या प्रॉपर्टी चेंज होगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है प्रोटॉन का वो चेंज होगा, ठीक है? मास चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इंटू डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में करने के लिए क्या करना होगा हमें? स्प्लिट रिंग टाइप ऑफ कम्यूटेटर मस्ट बी यूज, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मस्ट बी यूज, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी यूज, रेक्टेंगुलर वायर लूप हैज टू बी यूज। चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो एसी जनरेटर हो, हमें ब्रशेस तो यूज करना ही होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करना ही होगा, रेक्टेंगुलर वायर लूप होगा ही उसमें। हम एसी जनरेटर जब यूज करते हैं तो हम स्लिप रिंग यूज करते हैं, और जब डीसी यूज करते हैं तो स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। स्प्लिट रिंग क्या करता है? स्प्लिट रिंग हमारा जो करंट का डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है? इसमें हम स्प्लिट रिंग टाइप जनरेटर को यूज करेंगे, जनरेटर या डीसी मोटर यूज करेंगे तो स्प्लिट रिंग यूज करेंगे, और एसी जनरेटर या एसी मोटर यूज करेंगे तो स्लिप रिंग यूज करेंगे, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर टू कॉइल, इस फिगर में दो कॉइल दिख रहा है हमें, ठीक है? टू कॉइल उन्ड ऑन द नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड, नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रॉड में दो कॉइल उन्ड है। इनिशियली द की आर नॉट इंसर्टेड, पहले की यहाँ पे जो की दिखा रहा है वो इंसर्टेड नहीं है, उसके बाद देन द की आर इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव्ड, की को पहले इंसर्ट किया उसके बाद रिमूव किया, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? तो ये जो है एक्सपेरिमेंट, इसे ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत ही डिटेल से हमने इसे पढ़ा था। क्या पढ़ा था इसके बारे, कि ये दो कॉइल है, ठीक है? नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल वन में ज्यादा होता है कॉइल टू में कम होता है। इसमें क्या होता है कि एक कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट करते हैं और की से कनेक्ट करते हैं, और दूसरे कॉइल में कोई भी सोर्स ऑफ सप्लाई हम नहीं देते हैं, बैटरी कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं ताकि करंट का डायरेक्शन हमें मिल सके, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं इसमें, तो इस गैल्वेनोमीटर में हम डिफ्लेक्शन देखते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें अगर करंट इंड्यूस हुआ तो कॉइल वन में इंड्यूस हुआ तो कॉइल टू में भी वो शो करेगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पे कॉइल को इंसर्ट किए तो हमारा डिफ्लेक्शन शो किया, एक स्लाइड सा डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसके बाद फिर ये जीरो में आके रुक जाएगा, उसके बाद फिर से जब हम की को रिमूव करेंगे तो हमारा फिर से जो है ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट, देर आर मोमेंटरली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दैट डाइव इज आउट शॉर्टली, तुरंत वो खत्म हो जाएगा क्योंकि करंट कम होगा, दैट डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब इन करेंगे की और आउट करेंगे, दस द गैल्वेनोमीटर शोज द मोमेंटरली डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो की को इन करने में और की को आउट करने में दोनों में हमारा जो गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनोइड इज, ये हमारा सोलेनोइड का फिगर है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में कैसा होगा, मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर, एंड में ज्यादा होगा सेंटर में कम होगा, मिनिमम इन द मिडिल, मिडिल में कम होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट में सेम होगा, फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक एंड से दूसरे एंड में डिफरेंट बढ़ता जाएगा, बट आंसर हमारा सी है, सेम एट ऑल पॉइंट, क्योंकि हमारा सोलेनोइड के अंदर जो दिख रहा है हमारा ये पैरेलल लाइंस ऑफ रे जा रहा है, ठीक है? तो पैरेलल लाइंस ऑफ रे है मतलब यहाँ पे हर जगह करंट जो है वो इक्वल है, ठीक है? तो हमारा आंसर होगा सेम एट ऑल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग इज, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज करते हैं सेफ्टी मेथड यूज करते हैं वो फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज क्या होता है, एक मेटेलिक वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसमें जब एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो वो वायर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है और हमारे सर्किट को बचा ले। क्वेश्चन इज, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, जिस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जनरेटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर तो करंट को डायरेक्शन को दिखाता है, एमीटर क्या करता है वो करंट को मेजर करता है।